और हम कांग्रेस के जम्मू और उधमपुर के दोनों कैंडिडेटों को अपनी ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जितने भी हैं उनके साथ तहदिल से खड़े हैं और उनको पूरी कोशिश करेंगे कि ये दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से कांग्रेस की झोली में पड़े। उसके बाद हम पार्टी हाईकमान के दूसरे फैसले का भी तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि हमारे देवेंदर सिंह राणा साहब उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया, जो कि एक मैसेज चला गया था कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अगर एकार्ड हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, उन पे ये मैसेज पहुंचा था, शायद ये एकार्ड आगे भी चलेगा, असेंबली में भी होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पार्टी हाईकमान ने ये क्लियर कर दिया कि 18 तारीख शाम के 6 बजे तक हम कांग्रेस के जो भी एमपी के उम्मीदवारान हैं उनके साथ खड़े हैं, फुली सपोर्ट में, वोट एंड सपोर्ट में पूरी मदद करेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं ज़्यादा नहीं तो खिता चुनाव की बात करूंगा। वहाँ घर घर में इस वक्त उमर साहब का नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा मजबूत है, क्योंकि सारे लोग जान चुके हैं कि यहाँ बीजेपी पीडीपी ने भी 3.5 साल इलेक्शन सरकार चलाई और स्टेट को और 10 साल के लिए पीछे धकेला। तो इसलिए जब जब भी स्टेट में किसी तरह की आफत आई है तो वाहिद एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस उन्होंने हर तरह की सियासी, हर तरह की जैसे जानी माली कुर्बानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। आज भी जो नेशनल लेवल पे जो एतहत हमारी हाईकमान ने एतहत का फैसला लिया, ये भी इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई कि हमारे पिछले जो दिनों में हमारे पार्टी हाईकमान फारूक साहब ने फैसला लिया कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम जी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए हम उस फैसले का खैर मकदम करने के लिए हम सारे शाना बशाना उसका खैर मकदम करते हैं, पूरी चुनाव वैली के वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खैर मकदम करते हैं, और हम जो हैं 18 तारीख जो हमारे पार्टी हाईकमान ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन का फैसला लिया है, 18 तारीख शाम के 6 बजे तक हम उनके साथ खड़े हैं, वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, हर किस्म की सपोर्ट करेंगे। और 19 तारीख के बाद जो हमारे पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया कि असेंबली इलेक्शन में हमारा कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, और 19 तारीख के बाद जो हमारे उमर साहब और फारूक साहब का नारा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50+ जे एंड के में लाना है, उसके लिए हमारे सारे वर्कर तैयार हैं। हमारा इस जो हमें बहुत खुशी हुई कि जो फैसला हाईकमान ने साथ में ही लिया कि हमें स्टेट में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, तो इसलिए हम उस फैसले का भी खैर मकदम करते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्करान थे वो बहुत परेशान थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये नेशनल लेवल का फैसला था, ये हमारे स्टेट लेवल में कोई फैसला नहीं है, असेंबली इलेक्शन में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। 19 तारीख के बाद हम अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ मजबूत करने के लिए काम करेंगे।